श्राइक मध्यम आकार के पक्षी होते हैं जिनमें भूरे या काले और सफेद पंख होते हैं। अधिकांश प्रजातियां आकार में 16 सेमी और 25 सेमी के बीच होती हैं। उनकी चोंच झुकी हुई होती है, जैसे शिकारी पक्षियों की होती है, जो कि उनकी शिकार की प्रकृति को दर्शाती है, और उनकी आवाज तेज होती है। श्राइक की आवाजों और शिकार की आदतों के कारण इसे कसाई पक्षी के रूप में भी जाना जाता है। श्राइक कीड़ों और छोटे कशेरुकीय जानवरों को पकड़कर उन्हें तड़पाते हुए कांटेदार तार की बाड़ पर टांगने के लिए जाने जाते हैं। यह प्रक्रिया इन्हें मांस को छोटे छोटे अधिक सुविधाजनक आकार के टुकड़ों में फाड़ने में मदद करता है। अपने शिकार को थोपने का यही व्यवहार जहरीले टिड्डे को खाने के लिए एक अनुकूलन के रूप में कार्य करता है। टिड्डे को खाने से पहले टिड्डे के भीतर के विषाक्त पदार्थों के नष्ट करने के लिए यह पक्षी एक दो दिनों तक उन्हें कांटों पर टांग कर प्रतीक्षा करता है। श्राइक पक्षी अपनी चोंच का उपयोग करके कशेरुकी जानवरों को गर्दन से पकड़ कर हिंसक रूप से हिलाता है और उन्हें मार डालता है। नर एक कठोर आवाज निकालता है, जबकि मादा की आवाज नर की तुलना में नरम होती है। यह पक्षी अपने पहले वसंत के दौरान प्रजनन शुरू करते हैं। समय के दौरान नर एक प्रेमालाप अनुष्ठान करता है जो उड़ान में होता है। वह हवा में बेतरतीब ढंग से नृत्य करता है, तेजी से ऊपर और नीचे उड़ता है और कभी कभी मादा का पीछा करता है। वह अपनी पूंछ को पंखा करके और अपने पंख फड़फड़ाकर खुद को अपने संभावित साथी के सामने प्रस्तुत करता है। मादाएं फड़फड़ाने वाले प्रदर्शन का जवाब में नर से भोजन की मांग कर सकती है। नर मादा को अच्छी तरह से भंडारित अपने कांटों पर टंगे भोजन के साथ आकर्षित करते हैं, जिसमें खाद्य लेकिन चमकीले रंग की वस्तुएं भी शामिल हो सकती हैं। श्राइक पक्षी झाड़ियों और पेड़ों की निचली शाखाओं में टहनियों और घासों से सरल कप के आकार के घोंसले बनाते हैं। मादा श्राइक 4 से 8 अंडे देती है और उनको लगभग 16 दिनों तक सेती है। इनके बच्चे 3 से 4 सप्ताह तक आसपास रह सकते हैं और उसके बाद वे स्वतंत्र रूप से भोजन करना शुरू कर देते हैं।